एक छोटे से गांव में एक छोटा सा घर था। उसमें एक माँ, एक पिता और एक बेटा था। पिता हमेशा उसके घर के पास में एक पहाड़ी था, तो उस पहाड़ के ऊपर जाता था, वहां पर थोड़ा समय बिताकर घर वापस आता था। यह हर दिन का उनका रूटीन था। तो एक दिन बेटे ने पूछा कि उसके साथ वो भी आएगा, तो पिता ने उसको समझाने की कोशिश किया था कि वो पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा और वो रास्ता भी बहुत छोटा सा रास्ता है, पास में ही खाई भी है। ये सब बताने के बावजूद भी वो बच्चा जिद करने लगा था, तो उसके पिता ने उसके हाथ को कस के पकड़ा और पहाड़ की ओर लेके गया था। पहाड़ के ऊपर जा रहे थे दोनों मिलके, पास में एक खाई था, बड़े बड़े पेड़ थे, बस हंसी खुशी के साथ वो जा रहा था और उनके रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया था। पिता को तो पता था उस पत्थर को कैसे क्रॉस करना था, वो तो क्रॉस कर लिया था। जब बेटा उसको क्रॉस कर रहा था, उसके घुटना जो है उस पत्थर को लग गया था। जैसे ही लगा था वो चिल्लाने लगा था, माँ माँ। वहां की खाई की वजह से उसका आवाज जो है वहां गूंजा और उसे वापस सुनाया दिया था रीसाउंड की वजह से। और ये बात उस बच्चे को पता नहीं था। उसने सोचा उसका पीछा कोई कर रहा है और उसे रुलाने के लिए, उसे सताने के लिए कोई उसका पीछा करते हुए उसे उसकी बातें बता रहा है। तो इस लड़के ने फिर से कहा था, कौन हो तुम, कौन हो तुम। वो बात भी फिर से सुनाई दी, मुझे परेशान करके गुस्सा मत दिलाओ, ये बात भी उसे वापस सुनाई दिया था। तो बच्चा परेशान हो गया था और उसके पिता की ओर देखा और कहा कि पापा देखिए ना, कोई तो है मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पिता को सारी बात समझ में आ गई थी। पिता ने कहा कि अच्छा ठहरो, मैं बात करता हूं अभी, और उन खाई की तरफ घुमा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जैसे ऐसा कहा था वो बात भी उसे वापस आया था और फिर कहा, तुम बहुत अच्छे हो, और वो बात भी वापस आई थी। तो इस बच्चे को समझ में नहीं आया था। उसने कहा कि पापा जब मैंने बात किया तो मेरे से तो गुस्से से बात किया था, अभी आप बात कर रहे तो आपसे तो प्यार से और अच्छे से बात कर रहे हो। तो उस पिता ने उसे समझाया था, बेटा ये खाई का है एरिया, यहाँ पर पहाड़ों खाइयों के बीच में हम बात करेंगे तो हमारा आवाज जो है यहाँ पर गूंजता है, जिसकी वजह से हमारी बात जो है हमें वापस सुनाई देता है। ये छोटी सी बात से तुम्हें ये समझना है कि हमारी जिंदगी में भी हम जो दूसरे को देते हैं वही वापस आता है। अच्छा ही देंगे तो अच्छा ही, बुराई देंगे तो बुराई। अगर तुम गुस्सा करोगे तो दूसरे के ऊपर गुस्सा ही आएगा, अगर तुम प्यार करोगे तो तुम्हें प्यार जरूर मिलेगा। सो बेटर ट्राई टू बी ऑलवेज गिवर। सो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से मैं तो अच्छाई स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी तरफ। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और यह है इस हफ्ते के हैशटैग मंडे मोटिवेशन, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। और मिलेंगे अगले सुबह 10 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए।